नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ बहुत अच्छे हैं और अपना अपने परिवार का इस ग्लोबल पैंडमिक बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि आप कैनेडा का स्टडी परमिट, जिसको कि स्टूडेंट वीज़ा भी कहा जाता है, स्टडी वीज़ा भी कहा जाता है, वो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं एक बात क्लैरिफाई कर देता हूँ कि मैं कोई इमिग्रेशन कंसल्टेंट या गवर्नमेंट बॉडी नहीं हूँ। तो अगर आप इस वीडियो से कुछ भी ले रहे हैं तो आप अपने खुद के रिस्क पर ले रहे हैं, क्योंकि मेरा इंटेंशन है आपको गाइड करना और आपको अपने हिसाब से एप्लीकेशन प्रोसेस करना है, और नॉट नेसरली जैसा कि आप इस वीडियो में देखेंगे। तो आपके सामने मैंने कनाडा गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट खोला है, इसमें स्टडी परमिट का देखिए इन्फॉर्मेशन है। और यहाँ पर हम लोग एप्लीकेशन सेक्शन में गए हैं, तो इसमें आपका लोकेशन पूछ रहा है कि आप कहाँ अप्लाई कर रहे हैं। तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं, तो ऑनलाइन अप्लाई आउटसाइड कनाडा, ठीक है। आप किस कंट्री से कर रहे हैं? तो सपोज़ कीजिए आप इंडिया से कर रहे हैं, तो आप इंडिया करोगे, कंटिन्यू करोगे, आपको अपने हिसाब से करना है। रीड द इंस्ट्रक्शन गाइड, प्रिपेयर डॉक्यूमेंट, ऑनलाइन टूल, क्रिएट एन अकाउंट और साइन इन। तो मैं इसको एक नया लिंक पे खोल रहा हूँ, क्योंकि गाइड की हो सकता है हमें जरूरत पड़ जाए। सो यहाँ पर ये हमें जी सी की में लेकर आया है, तो हम साइन इन जी सी की करते हैं, ठीक है। तो आप, अगर आपने रजिस्टर नहीं किया तो आपको रजिस्टर करना होगा साइन अप, और मेरे पास है तो मैं लॉग इन कर रहा हूँ। ओके, सो आई एम इन माई अकाउंट, टर्म्स कंडीशन आई एक्सेप्ट, क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम अपने अकाउंट में आ गए हैं। अब यहाँ पर हमको एप्लीकेशन स्टार्ट करना है। तो यहाँ देखिए, अप्लाई टू कम टू कनाडा का एक लिंक है जिसमें स्टडी परमिट भी है, तो हम स्टडी परमिट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो हमको वहाँ से शुरू करना है। तो पर्सनल रेफरेंस कोड मांग रहा है, तो अगर आप इस पेज में से पहले वो विजार्ड के थ्रू आप जा चुके हैं तो आपके पास कोड है, अगर नहीं है तो आप यहाँ पर रीइनिशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये देखिए जो स्टडी परमिट का लिंक है उसमें स्टार्ट करते हैं। सपोज़ कीजिए आपने ग्रेजुएशन कर रखी है और आप कनाडा मास्टर्स करने के लिए आ रहे हो, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, तो हम वो केस यहाँ फॉलो करेंगे। आप कनाडा में कितना स्टे करना चाहते हैं? ऑब्वियसली लेट्स से आप 2 साल स्टडी करोगे तो मोर देन 6 मंथ्स होगा। आपका पासपोर्ट कौन सा है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, मैंने इंडिया दिया। आप कौन सी कंट्री में इस समय आप रह रहे हो, मैंने इंडिया दिया। क्या आपका कोई फैमिली मेम्बर है जो कैनेडियन सिटीजन परमानेंट रेसिडेंट है और 18 साल से ज़्यादा उम्र का है, मैं नो कर दिया, आपका जैसा हो उस हिसाब से दीजिए। तो मान लीजिए आपको आपका डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, तो मैं 99 डाल दे रहा हूँ एग्जांपल के लिए, या 98 डाल दिया, चलिए मंथ फेब डाल दिया, नेक्स्ट। आप क्या यूएस के ग्रीन कार्ड होल्डर हैं? मैंने इसको नो कर दिया। आपको एक डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन, मतलब कॉलेज, कनाडा के कॉलेज से आपको एक्सेप्टेंस मिल गई है, मैंने यस किया उसको। आप किसी भी डेजिग्नेटेड कंट्री में 6 मंथ से ज़्यादा आप रह चुके, तो कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं है, तो इस तरह का जो क्वेश्चन मार्क आप देख रहे हैं उस पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। जैसे कि डेजिग्नेटेड कंट्री आपको मान लीजिए पता नहीं है, तो आप उसको यहाँ पे क्लिक करके फिर देख सकते हो। इसमें ऐसा नहीं करना चाहिए, बट कोई बात नहीं, डेजिग्नेटेड कंट्री का लिस्ट हम अलग से भी देख लेते हैं, ठीक है। मैं वो लिस्ट पहले निकाल, बेसिकली दोस्तों इसका यूज़ मेडिकल एग्ज़ाम में होता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर 6 मंथ्स का जो था, मान लीजिए आप इंडिया में रहे हो तो आप इंडिया जैसे डालोगे तो इसके लिए चाहिए होगा, तो मैं इसको यस करके आगे बढ़ता हूँ। हैव यू हैड अ मेडिकल एग्जाम? आपका मेडिकल एग्जाम परफॉर्म हुआ है विद इन लास्ट 12 मंथ में IRCC के ऑथोराइज पैनल फिजिशियन? तो मैंने नो किया, तो आपको मेडिकल एग्जाम मांगा जाएगा। आपका स्टेटस क्या है? मैं यहाँ सिंगल कर दे रहा हूँ, लेकिन अगर आपका मैरिड है या जो है आप उस हिसाब से। आप कौन से प्रोविंस में जा रहे हो? मैं वो दिया, ऑनटेरियो। तो ये देखिए आपका रिजल्ट आ गया, आपको स्टडी परमिट आप अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने स्टडी परमिट किया, कंटिन्यू। आपके पास वैलिड वर्क परमिट या स्टडी परमिट है? मैंने नो किया।
क्या आप एक एक्सचेंज स्टूडेंट हो? मैंने नो किया। क्या वर्क आपके स्टडी का एसेंशियल कंपोनेंट है? मैंने नो किया, बट आप अपने स्टडी के हिसाब से इसका आंसर कर सकते हैं। क्या आप स्पाउस, कॉमन लॉ पार्टनर, चाइल्ड ऑफ स्किल्ड वर्कर हैं, फुल टाइम इंटरनेशनल स्टूडेंट के हैं, और या तो उस हिसाब से आप इसका आंसर करो। मैंने नो किया, अगर आपका है तो करो। मैंने इसका क्वेश्चन को मैं नो कर रहा हूँ, ये कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर उसको भी। आप क्या एक फैमिली मेम्बर को अकॉम्पनी करो जिसका कनाडा में स्टेटस है, या वो कनाडा आने वाला है, अप्रूव हो चुका है? मैंने नो किया, अगर है तो आप डालो। वो आपको यहाँ क्रिमिनल ऑफेंस के बारे में कि आपको कभी भी अरेस्टेड हुआ है, चार्ज हुआ या कन्विक्शन हुआ है? मैंने नो किया। आप एक फैमिली मेम्बर का एप्लीकेशन सबमिट करना चाहोगे? मैंने नो किया, बट जब जब आप साथ में करते हो तो वहाँ पर आप इसको यस करते हो। तो इस वीडियो में ऐसा नहीं, फ्यूचर में कोई वीडियो बनाया तो वो भी आपको दिखा दूंगा। आप किसी और को अपने एप्लीकेशन का एक्सेस दे रहे हो? जनरली रिप्रेजेंटेटिव के लिए होता है, तो मैंने नो किया। इन पा पिछले 10 साल में आपने बायोमेट्रिक दी है कनाडा के लिए? मैंने नो किया, अगर आपने दिया तो यस कीजिए। आपके पास फी आपको फ़ी देनी है, क्या आप फ़ी पे करोगे? ऑब्वियसली करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। आप डिजिटल कॉपी बना सकते हो? हाँ भाई, बना सकते हैं, तभी तो ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं, नहीं तो क्यों करेंगे ऑनलाइन। आप अपना पे ऑनलाइन कैसे करोगे? तो मैंने ये मेथड्स हैं कि आपके पास ये कार्ड्स हैं, वीज़ा, डेबिट या क्रेडिट, तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। हाँ, यहाँ पे आपके सारे आंसर्स हैं, इनको आपको बहुत केयरफुली रिव्यू करना है। कुछ भी चेंज करना आप यहाँ पे चेंज एडिट का जो आइकन है उस पर जाके कर सकते हैं, क्योंकि एक बार आपने कंटिन्यू किया तो यहाँ पर आपको वो अब स्टेप्स दिखा रहा है कि क्या करना है। अब जो आप कर रहे हो कंटिन्यू, मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर अभी आपको आपका चेकलिस्ट दिखा देगा कि आपको क्या क्या फॉर्म फिलअप करना है, क्या क्या हाँ डॉक्यूमेंट्स डालने हैं। तो देख लो आप, ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हो है लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, पासपोर्ट, ये आपको कॉलेज से मिलता है पासपोर्ट, प्रूफ ऑफ मीन ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट। तो जैसे पे आप क्लिक करोगे तो उसमें बता देगा कि आपको क्या क्या लगेगा उसमें। ये देखिए, स्टूडेंट के लिए भी कुछ कुछ है इसमें, एक्सप्रेस एंट्री वालों के लिए है, तो आपके सिचुएशन के हिसाब से आपको वो उसमें डालना है। डिजिटल फ़ोटो की भी आपकी रिक्वायरमेंट आई है तो उस हिसाब से, देखिए स्टूडेंट के लिए है तो आपका फ़ोटो जो आप लोगे इस स्टैंडर्ड का होना चाहिए। तो अगर आप नहीं कर सकते हो तो आप किसी प्रोफेशनल फोटोग्राफर से ये करवा सकते हो। फैमिली इंफॉर्मेशन फॉर्म, ये भी रिक्वायर्ड है, बट सर और ये जो है शेड्यूल 1, 5 to 5-7। तो दोस्तों ये जो वीडियोज़ हैं, चलिए मैं काम करता हूँ, मैं आपको सारा ही दिखा देता हूँ, क्यों हम लोग हाफ ऑफ काम करें, पूरा करना करें करते हैं, चलिए आधा अधूरा क्यों काम करें, आज जब करते हैं तो पूरा कर देते हैं। पहला ये खुला फॉर्म, तो ये फॉर्म ओपन हो गया, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस फॉर्म को अब फिलअप करते हैं। अगेन मैं सैम्पल कर रहा हूँ आपको अपने हिसाब से, तो स्टडी परमिट के लिए हम लोग ये कर रहे हैं, तो मैं सैम्पल कर रहा हूँ, और मैं कोई इमिग्रेशन कंसल्टेंट और गवर्नमेंट बॉडी तो हूँ नहीं, तो अगर आप कुछ लेंगे इस वीडियो से तो आप अपने रिस्क पर लेंगे। ऑल राइट दोस्तों, तो चलिए चलते हैं। UCI, यूनिक क्लाइंट आइडेंटिफायर, देखिए मैंडेटरी फील्ड नहीं है, तो ये एक क्लाइंट स्पेसिफिक होता है, और जब आप IRCC से कम्युनिकेट करते हैं तो वो इससे आपको ट्रैक करता है। ये मैंडेटरी फील्ड नहीं है, और स्पेशली जब आप पहली बार कर रहे हैं तो ये आपके पास होगा नहीं, तो इसको छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आपके पास है तो कर दिए, क्योंकि एनी वे अगर आपने पहले कभी किसी भी तरह का वीज़ा अप्लाई किया है तो आपका एक UCI होगा, और वो लोग वो निकाल ही लेंगे। आपने इंग्लिश किया, फुल नेम जैसे आपके पासपोर्ट में दिखा रहा है, तो वो मैं एक सैम्पल डाल रहा हूँ, ठीक है। ओह सॉरी, फैमिली नेम आया पहले आपका, तो मैं यहाँ स्मिथ दिया, और गिवन नेम आपने कोई और नाम यूज़ किया पहले, मैंने नो कर दिया। ये देखिए इंटरेक्टिव फॉर्म है, तो आपके जिस तरह से आप इंटर करो उस हिसाब से आगे बढ़ेगा। डेट ऑफ बर्थ, तो हमने जहाँ मुझे यहाँ तक याद है हमने वो डाला था ना, 1998 फेब्रुअरी 5, सिटी ऑफ बर्थ न्यू, ये आपके पासपोर्ट में होगा, मैं सैंपल डाल रहा हूँ। आप पिछले 5 साल में आप किसी भी कंट्री में अदर देन जो आपका कंट्री ऑफ सिटीजनशिप हो और जहाँ पर आप अभी रह रहे हो, आप उससे में 6 महीने से ज़्यादा रहे हो, मैंने नो कर दिया। लेकिन अगर आप रहे हो तो आप जरूर करना।
आप किस कंट्री से अप्लाई करो जहाँ पर आप हो अभी, मैंने यस किया। आपकी करंट मैटल स्टेटस क्या, मैंने सिंगल कर दिया। नीचे आते हैं, आप पहले कभी शादीशुदा रहे हो, मैंने नो कर दिया। नेटिव लैंग्वेज आपकी मदर टंग क्या है, तो इस सैम्पल केस में इंडिया से अप्लाई कर रहा है दिल्ली साइड से, तो मैं हिंदी कर देता हूँ। आप इंग्लिश या फ्रेंच में कम्युनिकेट कर सकते हो, मैंने इंग्लिश कर दिया। आप एक टेस्ट डेजिग्नेटेड अथॉरिटी से लिए हो, मैंने यस कर दिया। भाई स्टूडेंट वीजा के लिए जा रहा तो ऑब्वियसली यही है। पासपोर्ट नंबर एक सैम्पल डाल देता हूँ मैं, कंट्री ऑफ इशू इंडिया कर दिया मैंने। इशू डेट एक डेट डाल देता हूँ मैं, सैंपल है गाइस। आप इस ट्रिप के लिए ताइवान का पासपोर्ट यूज़ करोगे या इसराइली पासपोर्ट, तो ये डिसेबल हो गया क्योंकि ऊपर आपने इंडिया सेलेक्ट कर लिया है। आपके पास नेशनल आईडी डॉक्यूमेंट है, तो दोस्तों मैंने जब पहली बार अप्लाई किया था तो मैंने अपना पैन कार्ड इंडिया से डाला था और वो हैप्पीली एक्सेप्ट हो गया था। तो आजकल तो इंडिया में बहुत कुछ जैसे आधार वगैरह भी हैं, तो वो भी आप डाल सकते हो। और ये मैंडेटरी नहीं है, जैसे कि पैन कार्ड में होता है उसमें एक्सपायरी डेट नहीं होता, तो मैंडेट मैं छोड़ देता हूँ। बट आपका आप जो भी डाल रहे हो पूरा प्रॉपर तरीके से, और आपके कंट्री के हिसाब से चेंज होगा। USPR कार्ड, ग्रीन कार्ड है आपके पास, मैंने नो कर दिया। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, हाँ भाई ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, हर फील्ड ही इम्पोर्टेंट है। सैम्पल एड्रेस है दोस्तों, ये एड्रेस पे मैं नहीं रहता। रेसिडेंशियल सेम है अबाव, मैंने यस कर दिया, तो ये डिसेबल हो जाएंगे। तो फॉर्म इंटरेक्टिव है नो डाउट। टेलीफोन नंबर, एक टेलीफोन नंबर तो देना ही पड़ता है, मैंने अदर का कर दिया। मैंने इंडिया का आप कर रहे हो तो आप सेलेक्ट कर लो सेलुलर, इंडिया कंट्री कोड हो जाता है आपका 91। तो ठीक है, ईमेल एड्रेस सैम्पल CACC, ओके सैम्पल गाइस। हाँ अब आपको जो स्टडी करने जा रहे हो वह कहाँ, वहाँ की डिटेल देनी है। ऑफ कोर्स आपको लेटर देना पड़ता है, बट यहाँ पे आपको ये भी डिटेल फिलअप करनी पड़ेगी। ठीक है, आप क्या नेम ऑफ स्कूल, तो मैं जस्ट सैम्पल डाल दे रहा हूँ, टोरंटो IIT कॉलेज। माय लेवल ऑफ स्टडी, ये इम्पोर्टेंट है। मास्टर्स डिग्री आप कर रहे हो, फील्ड ऑफ स्टडी आप अपने हिसाब से दे देना। प्रोविंस, लेट से आप ऑन्टेरियो में स्टडी कर रहे हो, ऑन्टेरियो दे दो आप। अब यहाँ ऑन्टेरियो की सिटीज़ पॉपुलेट हो जाएंगी। आपको टोरंटो देना है, एड्रेस देना पड़ेगा। तो एड्रेस मैं एक सैंपल डाल देता हूँ, टू TTC स्ट्रीट। हाँ डिग्नेशन लर्निंग इंस्टीट्यूशंस की आईडी ओ फॉलोड बाय अप टू 20 डिजिट्स, थैंक यू बताने के लिए। वाह एक्सेप्ट ओ। ड्यूरेशन ऑफ स्टडी एक्सपेक्टेड, ओके सो मैं डाल देता हूँ 2023, लेट से मई से आप कर रहे हो 20, सॉरी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव कर्सर है भाई, 4:30। द कॉस्ट ऑफ माई स्टडी विल बी ट्यूशन 1000 रुपीज। माय स्टे पेड बाय माई सेल्फ। अच्छा अब आपका एजुकेशन पूछा जा रहा है।
आपके पास पोस्ट सेकेंड एजुकेशन इंक्लूडिंग यूनिवर्सिटी कॉलेज अप्रेंटिस ट्रेनिंग? मैंने यस किया, ठीक है। तो सपोज कीजिए 98 डेट ऑफ बर्थ, और इंडिया में टिपिकली 18 इयर्स में लोग ज्वाइन करते हैं, तो 2016 में डाल देता हूँ, 2016 मई टू 2020, 4 साल जनरली लगती है फील्ड एंड लेवल ऑफ स्टडी। सो बीटेक आईटी स्कूल सिटी टाउन इंडिया। एम्प्लॉयमेंट अब हम लोग फिलअप करेंगे। तो लेट्स से इस बंदे ने एम्प्लॉयमेंट जो किया है उसका डिटेल डाल दीजिए। मैंने जैसे इसने किया है पिछले सैम्पल केस में कि 2020 के बाद से जॉब कर रहा है, तो वो हम डालते हैं। मैं आपको एक बार गाइड भी दिखा दे रहा हूँ इसका जो साइट पर है, कि पहला क्वेश्चन में तो आप करेंट इन्फॉर्मेशन देंगे और प्रीवियस एक्टिविटी फॉर पास्ट 10 ईयर्स तक का आपको देना है। तो उस हिसाब से आप अपने हिसाब से फॉर्म को फिलअप करेंगे। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। उसके ठीक बाद आपका बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आ जाता है, विद इन पास्ट 2 ईयर्स आपको या फैमिली में ट्यूबरक्लोसिस थी नहीं, आपको फिजिकल मेंटल डिसऑर्डर है नहीं, आप अपने वीज़ा वगैरह के कंडीशन के लिए ब्रीच कभी भी किए हो नहीं, आपको वीज़ा वगैरह कभी रिफ्यूज़ हुआ कनाडा किसी और कंट्री का, आप पहले कनाडा के अप्लाई करने के लिए किए हो, मैंने नो किया, अगर है कुछ तो कर दीजिए, आपको कभी भी कोई क्राइम किया है आपने जिसके लिए आप अरेस्ट हुए हो या किया है या चार्ज हुए या कन्विक्ट हुए हैं, मैंने नो। तो गाइज आप बहुत केयरफुली इनको पढ़कर समझकर अपने हिसाब से आंसर दीजिएगा। आपने मिलिट्री मिलिशिया में कभी सर्व किया है? मैंने नो किया, लेकिन आप इनको बहुत ही केयरफुली आंसर कीजिएगा। तो गाइस ये ऑनलाइन एप्लीकेशन है, तो यहाँ पर आप सिग्नेचर का पूछो, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन में आप डिजिटली साइन करते हो एट द एंड पर, तो उसका टेंशन आप मत लीजिए। डेट आप यहाँ पर डाल दीजिए जो भी आपका है उस हिसाब से, और वैलिडेट आप जरूर कीजिए। वैलिडेशन, वैलिडेशन मतलब उसने देखा कि आपने मैंडेटरी फील्ड फॉर्मेट मीट किया है कि नहीं, बट सबमिट करने से पहले आपको उसको जरूर वेरीफाई कर लेना चाहिए। इसको फिर आप सेव कर लीजिए अगर आप इसको, और अब हम दूसरे डॉक्यूमेंट में जाएंगे। तो अब तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जैसे ये है सैंपल है दोस्तों, आप और एक चीज़ पढ़ लीजिए, यहाँ पे सारे नेम्स को इंग्लिश और आपके नेटिव लैंग्वेज में। तो अब सवाल उठता है आप ऐसा कैसे करोगे? तो मैंने जब एप्लीकेशन किया था, मैंने जैसे वर्कर के लिए किया है, तो मैंने क्या किया था कि पहले मैं जैसे अभी आपको दिखा रहा हूँ कि मैं इंग्लिश में डिटेल्स फिलअप करूँगा, वो कर लिया और उसका एक प्रिंट ले लिया। फिर मैंने क्या किया कि इसी फॉर्म में से सारे जो सिर्फ नेम्स, अदर चीज़ें छोड़ दीजिए, नेम्स को मैंने वाइप आउट कर दिया और प्रिंट ले लिया। और प्रिंट लेने के बाद मैंने उसको पेन से अपनी लैंग्वेज में लिखा, हिंदी में मेरे के हिसाब से थी लिखा। फिर जो सिग्नेचर करने थे वो दोनों में मैंने किया, दोनों डॉक्यूमेंट इंग्लिश वाले में भी और ये नॉन इंग्लिश में भी। फिर उसको स्कैन की, कंबाइन किया और अपलोड किया, और मेरा एप्लीकेशन सक्सेसफुल था। बट आपके ऊपर है आप कैसे करना चाहते हैं, और आपको ब्लैक इंक यूज़ करना है तो ये आप मेक श्योर कर दीजिए। प्रेजेंट एड्रेस, तो आप एड्रेस डाल दीजिए, ऑक्यूपेशन जैसे हमने एक फॉर्म में मैंने आपको दिखाया आईटी इंजीनियर, वो आप लिख लीजिएगा। यहाँ पर क्योंकि सिंगल है तो ये नहीं जो एप्लीकेबल है, मदर का इन्फॉर्मेशन, फादर का इन्फॉर्मेशन, और इस हिसाब से आप ये डिटेल भी दें। हाँ वी लाइक अकम्पनी यू टू कैनेडा, तो जैसे एप्लीकेंट का तो जा ही रहा है भाई, लेकिन अगर आपके पेरेंट्स नहीं जा रहे तो आप नो कीजिए, स्पाउस है वो जा रही है तो आप यस करोगे, नहीं है तो स्पाउस नहीं है तो आप छोड़ दोगे। और अगर आप स्पाउस और कॉमन पार्टनर को लिस्ट नहीं कर रहे हो तो आपको यहाँ पर उसको साइन करना पड़ेगा, और डेट डेट आप यहाँ से टाइप कर दोगे, ठीक है। सिमिलर बच्चों के बारे में इंफॉर्मेशन, अगर आपके पास बच्चे नहीं है तो आप साइन कर देना, यहाँ पर आप डेट दे दोगे।
ब्रदर एंड सिस्टर्स के बारे में भी है इन्फॉर्मेशन, आप इंक्लूड कर दीजिएगा। और यहाँ पर आपको एक फाइनल साइन करनी है, यहाँ पे तो साइन करनी है अभी सेक्शन डी में, और फिर जैसे मैंने बताया मल्टीपल लैंग्वेज इसको कंबाइन कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों चेकलिस्ट पे वापस चलते हैं, अब तक देखने के लिए धन्यवाद। तो ये भी हो गया, तो यहाँ तक पहुँच गया हम। अब क्लाइंट इन्फॉर्मेशन लेटर मैंडेटरी नहीं होता, लेकिन मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँ क्योंकि वो आपका अच्छा अपॉर्चुनिटी है जिसके बारे में आप बताओगे। यहाँ पर नीचे देखो आपको फ़ी भी आ गई है, तो वो सही है। अब ये जो 5 to 5 7 इस ये क्या है ये भी देख लेते हैं, ये ऑप्शनल डॉक्यूमेंट है बट सब फिलअप करने में क्या आता है। फुल नेम आप कौन हो, प्रिंसिपल एप्लीकेंट हो तो डाल दो, ठीक है, क्योंकि हम ये स्टूडेंट वीज़ा के लिए बना रहे हैं जिसमें कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि एप्लीकेंट मैरिड नहीं है। आप अपना फैमिली नेम पहले पूछा है, आप स्मिथ डालोगे, यहाँ पे जॉन डालोगे, डेट ऑफ बर्थ, तो ये सब आप इंफॉर्मेशन देखिए, ये सब जो कुछ इन्फॉर्मेशन है आप मल्टीपल फॉर्म्स में डाल रहे हो तो डेफिनेटली आप एक बार वेरीफाई कर लेना, UCI है तो डालो, नहीं है तो नहीं डालो। आपने मिलिट्री सर्विस में सर्व किया है, मैंने नो किया। आपने ये सेकंड क्वेश्चन है इसमें आपने कभी किया है, मैंने किया नो। आपका ये वाला पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, गवर्नमेंट पोजीशन से रिलेटेड है, मैं नो कर रहा हूँ। बट अगर आपने किया है, आपने कि ये अब ये ट्रैवल के बारे में आपके 18 साल या 5 साल, पिछले 5 साल जो भी नियरेस्ट है, आपने किसी भी कंट्री और टेरिटरी में ट्रैवल किया है जो कि आपका करेंट कंट्री ऑफ रेसिडेंस या सिटीजनशिप नहीं है, है तो इन्फॉर्मेशन दीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। ये करने बाद लास्ट में आपको वैलिडेट करना है, वैलिडेशन सक्सेसफुली, तो इसके बाद ही आप इसको सेव करके फिर आप अपलोड करोगे। वापस चलते हैं चेकलिस्ट में दोस्तों, अब तक के लिए धन्यवाद। जैसे ही आप वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दोगे, मैंडेटरी ये तो ऑप्शनल है, उसके बाद आप इसको उसके बाद आपको यहाँ नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा जहाँ पर आप डिजिटली साइन, जहाँ पर आप एक सिक्योरिटी क्वेश्चन के आंसर करोगे, अपना फुल नेम टाइप करोगे और वहाँ से फिर आप आगे आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा और ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा, मुझे आपके फीडबैक्स का इंतज़ार रहेगा। और भी जो भी आप देखना चाहेंगे आप मुझे कह सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा, मैं गारंटी नहीं दे सकता, और मेरा प्रयास रहेगा आप लोग की और अच्छे से सेवा कर सकूँ। वीडियो देखने के धन्यवाद दोस्तों।